टेक स्टेप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से आप बुक की हुई टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन हो गया है। टिकट कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ राइट साइड में लॉगिन का बटन है, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों आपसे आपका 4-डिजिट लॉगिन पिन पूछेगा और नीचे कैप्चा एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और अब मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ और लॉगिन पे टैप करता हूँ। दोस्तों टैप करते ही आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। बुक की टिकट्स को देखने के लिए पहले ऑप्शन ट्रेन पर टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें दूसरा ऑप्शन है माय बुकिंग्स का, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों माय बुकिंग्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ जो भी टिकट आपने बुक किया है लिस्ट करने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टिकट मैंने बुक कर रखी है, कैंसिल करने के लिए इस पर मैं टैप करता हूँ। टैप करते ही टिकट डिटेल्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और ऊपर की तरफ 3 डॉट्स हैं राइट साइड में, इस पर टैप कीजिए। एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें सेकंड ऑप्शन आपको कैंसिल टिकट का मिलेगा, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों अपने भी पैसेंजर से उनके सामने एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर टैप कीजिए तो चेक हो जाएगा और वापस टैप करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। सभी टिकट्स एक साथ कैंसिल करना चाहते हैं तो ऊपर सेलेक्ट ऑल की बटन है, इस पर टैप कीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी पैसेंजर्स सेलेक्ट हो गए हैं। सबकी टिकट कैंसिल नहीं करना चाहते, किसी एक की करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर नाम के सामने जो चेकबॉक्स है उसको टैप कर लीजिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। टिकट कैंसिल करने के लिए नीचे कैंसिल टिकट की बटन है, इस पर टैप कीजिए। अब दोस्तों आपको कैंसिलेशन कन्फर्म की स्क्रीन आएगी तो यहाँ कन्फर्म पर टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी टिकट्स थे सभी का करंट स्टेटस कैंसिल्ड हो गया। तो इस तरह दोस्तों बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने टिकट्स को IRCTC ऐप से कैंसिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।